नमस्कार। बॉलीवुड के माचो मैन संजय दत्त का फिल्म तोरबाज जल्द ही रिलीज होगी। संजय दत्त और नरगिस फाकरी की फिल्म तोरबाज रिलीज होने के लिए तैयार है। बता दें कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन OTT पर रिलीज होने वाले 17 फिल्मों का लिस्ट जारी की है, जिसमें तोरबाज भी है। तोरबाज की फर्स्ट लुक सामने आ गई है। मूवी में संजय दत्त का लुक काफ़ी सराहनीय है। इस फिल्म में संजय दत्त एक अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। इस तस्वीर में संजय दत्त और नरगिस एक साथ दिख रही हैं। देखने से लगता है डायरेक्टर ने कास्ट और लोकेशन का अच्छे से ध्यान रखा है। तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है फिल्म काफ़ी कमाल का होने वाला है। संजय दत्त ने गुरुवार 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर साझा किया कि उनके लंबे समय से रुकी हुई फिल्म तोरबाज जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति व्यक्तिगत त्रासदी से उभरता है जो शरणार्थी शिविर के बच्चों के समूह को जीत कर और ले जाता है। क्रिकेट के खेल के माध्यम से अपना जीवन बदल देता है। यह खेलने के लिए लगभग समय है। नरगिस फाकरी भी इस मूवी में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म को गिरीश मलिक द्वारा निर्देशित किया गया है। बताया जाता है कि तोरबाज एक एक्शन फिल्म है जो अफगानिस्तान के चाइल्ड सुसाइड बॉम्बर्स के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म की शूटिंग वर्ष 2017 में कागिस्तान में शुरू हुई थी। गिरीश मलिक निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल फरवरी में पूरी हो गई थी। इस फिल्म में संजय दत्त और नरगिस फाकरी ने मुख्य भूमिका में निभाई है, जो एक आर्मी ऑफिसर की कहानी है जो एक शरणार्थी शिविर के बच्चों को पढ़ाता है जो उनके जीवन को बदल देता है। तोरबाज ने राहुल देव, राहुल मित्रा और हुमायूं शख्स खान जैसे कलाकारों को भी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल किया है। आगामी फिल्म की शूटिंग कथित तौर पर कुछ साल पहले ही पूरी हो गई थी, हालांकि अज्ञात कारणों के कारण फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया था। निर्देशक का कहना है कि फिल्म कुछ शो को शूट करने में समय लगा जिसके कारण रिलीज होने में देरी हो गई। उन्होंने कहा, फिल्म में VFX का पर जबरदस्त काम किया गया है, बल्कि हमने स्पेशल इफेक्ट के हेल्प से ही पूरी काबुल सिटी खुद बनाया है। लेकिन नेटफ्लिक्स की घोषणा के साथ संजय दत्त के प्रशंसकों को निश्चित रूप से फिल्म के रिलीज का इंतजार खत्म होगा। हालांकि अभी तक निर्माताओं द्वारा तोरबाज की रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स है कि यह फिल्म जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। संजय दत्त अभिनीत फिल्म गिरीश मलिक के निर्देशन में बनी है। तोरबाज का निर्माण राजू चड्ढा और राहुल मित्रा, पुनीत सिंह, गिरीश मलिक ने अपने अपने प्रोडक्शन बैनर के तहत किया है। कुछ हफ्ते पहले यह पता चला था कि संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भी एक्सक्लूसिव तौर पर डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। सड़क 2 सितारों में आलिया भट्ट, संजय दत्त, पूजा भट्ट और आदित्य राय कपूर मुख्य भूमिका में हैं। इस बीच भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त प्रमुख भूमिका में हैं। दोनों ही फिल्म को प्रीमियर जल्द ही होगी। धन्यवाद।